नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पंचायत चुनाव के बारे में। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और ऐसे में आयोग की तरफ से भी लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वालों के खिलाफ आयोग कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो लोग अपने शपथ पत्र में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देंगे। सरकार ऐसे लोगों पर लोक प्रहरी के माध्यम से कार्रवाई करेगी। बता दें कि पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के सारे परिणाम 15 दिसंबर को आ जाएंगे। जिला में इसे 18 दिसंबर तक जो है, यानी कि जिले के गजेटियर में जो है 18 दिसंबर तक इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब देना था जो कि प्राप्त नहीं हो सका है। आयोग के निर्देश पर पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की नोटिस जारी कर 1 जनवरी तक सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च की विवरणी का शपथ पत्र जमा करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि चुके हुए जितने भी उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने की कार्रवाई भी जो है अब आयोग की तरफ से की जाएगी। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम चुनाव को लेकर तैयार हैं। जो भी इस बार चुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे उन्हें संपत्ति की घोषणा करनी होगी। अगर गलत संपत्ति की घोषणा की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा था कि गलत संपत्ति की घोषणा करने पर सरकार नियम 18(5) के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी भी की जा सकती है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम सामने आने के 15 दिनों के अंदर खर्च का पूरा ब्यौरा जारी करने को कहा था। बता दें कि प्रदेश में 10वें चरण का मतदान जारी है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार अपने खर्च का ब्यौरा आयोग के सामने जमा नहीं कर सके हैं। बता दें कि बिहार में इस बार 11 चरणों में मतदान हो रहा है और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान होगा। ऐसे में अब आयोग ने साफ साफ कहा है कि 1 जनवरी 2022 तक सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च विवरणी का जमा करना होगा। इसके बाद 5 जनवरी को आयोग की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया जाएगा। इधर पटना के जिलाधिकारी ने भी कहा है कि चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं जमा करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी जाएगी। अब इधर मुजफ्फरपुर जिले में हुए पंचायत चुनाव में भी उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2022 तक मीनापुर प्रखंड कार्यालय में अपना चुनाव व्यय विवरण का जो है वह निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा करना होगा। इसके साथ साथ शपथ पत्र प्रपत्र 29 और 30 में भरकर जमा करना होगा। इस पूरे मामले को लेकर BDO और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में व्यय विवरण का शपथ पत्र के साथ नहीं देने वाले उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में यह साफ है कि पंचायत चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पे है और इस दौरान जो है साफ तौर पे उम्मीदवारों को कहा गया है कि आप जो है अपने चुनाव खर्च का जो है पूरा ब्यौरा प्रपत्र में भर कर आयोग के सामने प्रस्तुत करें, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव के दौरान कितना खर्च किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।